सीबीएसई के 10वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम में धनबाद जिले के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा अदिति झा ने 99.80% हासिल कर अपनी मेहनत और लगन से अपने माता पिता और विद्यालय का नाम रोशन कर दिया है। अदिति ने अपनी पूरी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को दिया है। परीक्षा परिणाम से अदिति काफी खुश है, लेकिन बगैर परीक्षा के प्रमोट होने से वो निराश हैं। उनका कहना है कि अगर ये अंक परीक्षा के बाद आए होते तो उन्हें अधिक संतुष्टि मिलती। अदिति ने बताया कि उन्हें स्कूल के हाफ ईयरली परीक्षा में 99% अंक मिले थे। ऐसे में उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें बोर्ड के परिणाम में 99.8% अंक मिलेंगे। अदिति का सपना है कि वो IIT से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करे। मैं ये कहूँगी कि खुशी तो होती है अच्छा रिजल्ट होने पे, तो खुश तो हूँ ही कि इतने अच्छे की उम्मीद नहीं की थी, इसीलिए। किस तरह इस मुकाम को हासिल किया? इस मुकाम को हासिल करने में सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, उसके बाद अपने माता पिता और सारे घर वालों को। तो सबने बहुत मदद की, उसी का ये नतीजा है कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया। किस तरह तैयारी की? तैयारी के लिए मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया कि मुझे पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है। तो मैंने पढ़ाई को कभी टाइम लिमिट पे सेट नहीं किया कि इतनी देर ही पढ़ना है। हमेशा मैं टॉपिक वाइज पढ़ती थी और अपना सिलेबस देखती थी कि मुझे हर दिन कितना पढ़ना है। टाइम से कभी भी टॉपिक को नहीं बांधती थी कि इतने टाइम में पढ़ के उठ जाना है, और मैं रेगुलर रहती थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहा। तो और छात्रों को क्या संदेश दोगी, जो और भी लोग हैं पीछे? छात्रों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने टीचर्स को अच्छे से फॉलो करें, बिकॉज उनसे अच्छी गाइडलाइंस आपको कोई दे नहीं सकता। दूसरी बात कि ऐसी वैसी बुक से पीछे ना भागें, NCERT सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको थॉरो करें, कॉन्सेप्ट मजबूत करें, तो आप ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि बेटी हो या बेटा, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए और भगवान ऐसी बेटियाँ सबको दें। मेरी बेटी पढ़ने के लिए मैंने कभी उनको ना बोला, ना उन्होंने कोई स्ट्रेच लिया। जैसे जैसे उनको हुआ, उन्होंने अपने खुद से टॉपिक सेलेक्ट की, अपने खुद से बुक सेलेक्ट की, टीचर के गाइडलाइंस रहे, स्कूल की पढ़ाई को पूरी तरह से फॉलो किया। इवन इस लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासेस हुई, उस क्लासेस के सारे नोट्स वगैरह को इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो किया। टीचर के कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा इनके प्रति। इस लॉकडाउन में ऐसा नहीं था कि जो क्लासेस हैं, क्लास के बाद भी कभी ये व्हाट्सअप करती थी या कभी कुछ करती थी, तो उसका रिप्लाई टीचर इनको तुरंत देते थे कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकाल के देते थे और उसको फॉलो करके आगे बढ़िए। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे। मेरी बेटी लाखों करोड़ों में एक है। आज CBSE की इतनी बड़ी रिजल्ट में सभी जगह से खबर आ रहे हैं। सुबह से, कल से ही काफ़ी हम लोग उत्साहित हैं पूरा, काफ़ी इनके रिजल्ट को लेकर के। उम्मीद तो पूरी ही थी कि 99% प्लस आएगी, लेकिन स्टेट टॉपर आएगी ऐसा कुछ होगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। बोझ माननी चाहती है, हाँ, समाज जिस जी, तरह से आज है जी। और उसमें आज बेटियां ही चाहे खेल हो, पढ़ाई हो, सब में आगे बढ़ रही है, मुकाम हासिल कर रही है, तो ऐसे में क्या कहेंगे और पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरी उम्मीद है कि बेटी और बेटा में भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के, क्योंकि जो हम बेटे से उम्मीद करते हैं वो हम बेटी से भी उम्मीद कर सकते हैं, और बेटी लोग हमारी उम्मीद पर खरा उतरती है। और जहाँ तक हम बेटों को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, बेटी को भी हम वही सुविधा उपलब्ध कराएँ, वही सब चीज़ सारी सुविधाएँ दी जाए, तो बेटी हमारी नंबर वन हो सकती है। तो इसलिए जी आगे क्या करेंगे? आगे बस बेटी अच्छा करे, आगे और अच्छा करेगी। लॉकडाउन चल रहा था लगभग जी, जी जी होने को है जी, तो क्या इस दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना हाँ पड़ा? इन दौरान बहुत परेशानी आई, इसको भी बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन उस बीच में रह करके भी ये पढ़ाई पूरा की, जिसमें इनके टीचर का, सारे टीचर का, जो स्कूल की ये प्रिंसिपल मैम है, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। मतलब कभी भी कोई भी डाउट रहा है तो वो सारा क्लियर कर दिया उन लोगों ने, तो लगा कि हाँ बेटी मेरी अच्छा कर जाएगी। आज घर महसूस कर बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा, ये कभी सोची भी नहीं थी, हद से ज़्यादा। क्या उन माँ को भी कुछ संदेश देंगे? हाँ, कि बेटी को कभी वो बाहर ना समझे, क्योंकि आज यही बेटी है जो हमको प्राउड फील कराती है। जी जी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।